देखिए, टीचिंग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग जो फॉर्म फिल करने की प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन ये आ रहे हैं, एक दो तीन, ये वाला लेते हैं पहले। टीचिंग एक्सपीरियंस कॉलेज का ही चाहिए, डाउन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। मिनिमम उस लेवल तक आपने क्लासेस को टीच किया हो, ये बात है। दूसरा, प्राइवेट का नहीं चलेगा एक्सपीरियंस, ठीक। एडेड का क्वेश्चन है, एडेड को शायद अब 75 या 95 मिलती है, 100% ग्रांट नहीं मिलती। एक्चुअली ये क्यों रिजेक्टेड है, इसका कारण सुन लीजिए। बेसिकली जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, कंट्रेक्चुअल फैकल्टीज हैं, पार्ट टाइम है, जो 48 कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस के, पंजाब के कॉलेजेस में टीच कर रहे हैं, उसमें एडेड कॉलेज नहीं शामिल। उनका ये मुद्दा था कि हमें ऐसे ही रेगुलर कर दिया जाए। वो कितने सालों से लटक रहे हैं, 5, 10, 15, 20 सालों से लटक रहे हैं वो, तो उनको जस्टिस चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने ओपन कंपटीशन कर दिया है, कंपटीशन में आपको फ़ायदा ज़्यादा नज़र आ रहा है, जैसे कि वो भी टेंशन में हैं कि हमें, हम निकाल ना दिए जाएं, नए ज्वाइन ना हो जाएं, तो उनके लिए है, तो आपको बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देगी। वहाँ गवर्नमेंट शब्द है, जहाँ भी फिल करना है, एडेड वालों को बेनिफिट में नहीं रखा है, ये एक्सपीरियंस गिना नहीं जाएगा। अगर आपने फिल कर दिया है, उसमें ये प्रॉब्लम है, आपने अगर फिल कर दिया है, फिल करते हुए आपने ये देखना है, सॉरी, ये कि आपने यहाँ यस किया है या नो, वेदर यू आर वर्किंग इन पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी कंट्रेक्चुअल टीचर इन गवर्नमेंट कॉलेज। यहाँ अगर यस किया है तो आपको उस कैटेगरी में रख लिया जाएगा। आप अगर आप एडेड में हैं तो आपको यहाँ यस नहीं लिखना चाहिए, आपको नो ही लिखना चाहिए। तो फर्दर आपका एक्सपीरियंस है, आपके पास प्रूफ है, आपका एडेड का एक्सपीरियंस है, वैलिड है, तो आपने एक्सपीरियंस फिल कर दिया, कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन बेनिफिट उनको मिलना है, बेनिफिट जिनको मिलना है वो है, ये रहे गवर्नमेंट कॉलेज के, पंजाब के जो 48 कॉलेजेस में हैं, वो जहाँ गेस्ट के हैं, जहाँ कंट्रेक्चुअल हैं, जहाँ, ये बात आप जानते ही हो। तो ये था एक्सपीरियंस का। दूसरा है कि आउटसाइड का, जो पंजाब से बाहर है, वो एक्सपीरियंस का, वो एक्सपीरियंस जैसे मैंने बताया है कि नहीं, वो एक्सपीरियंस पंजाब वालों को ही, ये पंजाब इसीलिए लिखा है, पंजाब वालों को बेनिफिट होना है। हाँ, उन्होंने गवर्नमेंट के वहाँ कॉलेज में पढ़ाया है, वैसे वो इधर आएंगे नहीं, कोई ऐसा केस नहीं है। तो दिस इज़ अबाउट टीचिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू। एक वो गैस लगाना, तुक्का लगाना, जब आप ये देखिए, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से सभी का, सारे नहीं ठीक होते। मान लीजिए आपके 60-70 क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, अब 30 का आपको कुछ नहीं पता, जीरो पता है, तो 30 का क्या करोगे आप? जो भी है, बेशक वो टॉपर है, वो गैस तो लगाएगा ना। आप गैस लगाने की गलत टेक्निक को यूट्यूब से या किसी और सोर्स से फॉलो मत कर लो। इसलिए मैंने यूजीसी पेपर 1 का एनालिसिस करके कुछ 2-4 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ अभी सीरीज़ में, तो अगर वो देखना चाहते हो, आपका बेशक टाइम ना ख़राब हो, आपका टाइम ज़्यादा कीमती है, अगर आपको लगे वो देख लेना, अगर नहीं है तो बेशक नहीं, आप अपनी तैयारी करो, आपके लिए तैयारी ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ नहीं, आप तैयारी करो वैसे, पर वो गलत मत फॉलो कर लेना कि वो जो अगर उसका रूल है ना, जो बी कैटेगरी सही होती है ज़्यादा, तो वो रूल यूजीसी के मुताबिक गलत निकले, ऐसे कुछ कंक्लूजन है, लेकिन वो यूजीसी वालों के लिए ज़्यादा वैलिड है। चलो, उनको बता सकते हो, बता देना। पता नहीं, आपकी चिंता बहुत हो रही है, सॉरी, थैंक यू।